नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज यानी कि 6 अगस्त के मुख्य समाचार। अहमदाबाद में कोविड-19 अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 8 मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री ने आर्थिक सहायता का किया ऐलान। मुख्यमंत्री ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोविड-19 के अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये आग शहर के श्रेय अस्पताल के आईसीयू में लगी। घटना में मारे गए लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा हादसे में घायल हुए लोगों को भी 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फिर आई बुरी खबर। एक और एक्टर ने किया सुसाइड। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के एक्टर समीर शर्मा का निधन हो गया है। टीवी एक्टर समीर शर्मा का शव उनके घर में किचन के पंखे से लटका हुआ मिला है। बिल्डिंग के चौकीदार ने रात में बाहर से देखा और पुलिस को सूचित किया इस बारे में। मलाड पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी तरह की साजिश या गड़बड़ी का सुराग नहीं मिला है। समीर शर्मा के घर से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। चीन की घुसपैठ की बात कबूलने वाला दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटाया गया। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जिसके मुताबिक लद्दाख के कई इलाकों में चीनी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी थी। डॉक्यूमेंट में मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि मई महीने से चीन लगातार LAC पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है, खासतौर से गलवान घाटी, पेंगोंग, तसो गोगरा, हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन करते हुए कहा था कि ना ही कोई हमारे सीमा में घुसा था और ना ही कोई अभी भी घुसा हुआ है। अब भरनी पड़ेगी EMI, रेपो रेट और अन्य अहम दरों में कोई बदलाव नहीं। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने MPC की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार 6 अगस्त को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए जाने की घोषणा की है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर स्थिर रखा है, जबकि लोन EMI पर छूट पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब लोन पर EMI पर छूट इस महीने के बाद नहीं मिलेगी। इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि MPC ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। मनोज सिन्हा को बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का नया उपराज्यपाल। G.C. मुर्मू को मिल सकता है कैग का पद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल G.C. मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मनोज सिन्हा को वहां का उपराज्यपाल बनाया गया है। दफ्तर की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार G.C. मुर्मू को देश के नए ऑडिटर के पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है। वुहान में ठीक हुए कोरोना मरीजों में 90% के फेफड़े खराब, रिपोर्ट। एक शॉकिंग खबर चीन के वुहान शहर से आई है। चीन के वुहान शहर में जितने भी मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए उनमें से ज्यादातर के फेफड़े बुरी हालात में हैं। यही नहीं, रिकवर हुए मरीजों में से 5% तो दोबारा कोरोना संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। ये खुलासा हुआ है वुहान यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के एक सर्वे में। पहले फेज के परिणामों के अनुसार ठीक हुए मरीजों में 90% के फेफड़े बर्बादी की कगार पर हैं। यानी इन मरीजों के फेफड़े का वेंटिलेशन और गैस एक्सचेंज फंक्शन काम ही नहीं कर रहा। ये लोग अब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।